हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है 37,878 पे, लगभग 108 पॉइंट ऊपर फ्लैट पॉजिटिव हमने क्लोजिंग देखी है। तो यहाँ हमने इंट्राडे में अच्छे खासे नीचे के लेवल भी देखे थे और ओवरसोल्ड जोन से हमने एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखी थी। तो जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उन्हें जो पोजिशनल शॉर्ट था उसमें भी प्रॉफिट मिला, और इंट्राडे लॉन्ग किया होगा अगर आपने बॉटम को तो उसमें भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिला। और सेम कॉल मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिया था, हमने बैंक निफ्टी में सुबह जो है तो लॉन्ग पोजीशन ली थी, उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल चुका है। वो मैंने मेरा जो फ्री चैनल है उस पर भी अपडेट किया था, आप देख सकते हो यहाँ कि मैंने सुबह जो है तो बैंक निफ्टी में ये देखिए तो लगभग हमने 9946 को लॉन्ग इन अराउंड बॉटम पे ही लिया था, और जो 38,000 का जो कॉल ऑप्शन है मंथली एक्सपायरी का अप्रैल का उसमें हमने एक्युमुलेशन स्टार्ट किया था, दोनों में भी अच्छे खासे प्रॉफिट आज बन चुके हैं। तो यहाँ जो है तो अभी देखते हैं चार्ट पे बैंक निफ्टी कैसा दिखता है और कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी जो है तो लगभग 0.5% लॉस दिखा रहा है, लगभग हम 163 रुपये नीचे ट्रेड कर रहे हैं फॉर द वीक। लास्ट वीक हमने 840 पॉइंट का गेन देखा था, इस हफ्ते हम फ्लैट लॉस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ वीकली चार्ट पे क्लियरली करेक्टिव सिग्नल है और मुझे लगता है कि आने वाले वीक में हम बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल देख सकते हैं। डेली चार्ट पे तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि आज का लो था लगभग 37,400 और हाई था लगभग 38,000, तो हमने लगभग 600 पॉइंट की रेंज देखी और हमने बॉटम पे ही खरीदा और लगभग टॉप के अराउंड जो है तो 900 के अराउंड हमने प्रॉफिट बुक किया उसमें। यहाँ जो है तो आवरली चार्ट पे देखते हैं। अभी तो आवरली चार्ट पे आप देख सकते हो कि मैंने क्यों लिया था, तो ये 37,400 ये लास्ट वीक का लो था, तो उसको टच करने के बाद हमने एक शॉर्ट कवरिंग रैली आती हुई देखी बैंक निफ्टी में, जो हो सकता है कि आगे भी कंटिन्यू हो। तो कल के लिए यहाँ जो है तो बैंक निफ्टी पे लॉन्ग व्यू रहेगा, आपको बैंक निफ्टी पे लॉन्ग व्यू लेना है। ये कॉन्ट्रा व्यू है, यहाँ जो है तो बैंक निफ्टी आपको बाय करनी है 37,650 के अराउंड 500 to 650 के अराउंड बाय करनी है। आपका स्टॉप लॉस 37,400 के नीचे रहेगा तो छोटा स्टॉप लॉस है, ऊपर जो टारगेट बनते हैं मुझे लगता है कि 38,600 के टारगेट जो है तो बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू रहेगा मेरा, अगर हम जो है या फिर आप जो है तो दूसरा जिन्हें सेफ ट्रेड करना है तो उन्हें आपको 38,100 के ऊपर जब बैंक निफ्टी निकलेगा तब लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। ये जो है तो ये कॉन्ट्रा ट्रेड में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है और ये हाई रिस्क ट्रेड है, मगर आपको यहाँ से अगर रैली मिलती है तो बहुत अच्छे खासे गेन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप 38,100 के ऊपर बाय करते हो तो आपकी सेफ्टी ज़्यादा रहेगी, मगर आपको उतने गेन्स देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ से जो है तो शायद आपको 400 से 500 पॉइंट ही मिलेंगे बैंक निफ्टी। और ये जो व्यू है ये 1 से 2 दिन के लिए है, तो ये मंडे तक व्यू चलेगा हमारा। तो यहाँ मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ने करंटली जो है तो शॉर्ट टर्म बॉटम प्लेस कर दिया है 37,400 पे, और एक हम यहाँ शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो 38,600 तक बैंक निफ्टी को लेकर जा सकता है। तो यहाँ मेरा लॉन्ग व्यू रहेगा और हम बाय करेंगे इस जोन में 37,500 to 650 के बीच में हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस 37,400 के नीचे, टारगेट 38,600 का। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो मंथली ऑप्शन जो है 38,500 का उस पर फोकस कर सकते हो। उस ऑप्शन में आपको एक्युमुलेशन स्टार्ट करना है जब बैंक निफ्टी फ्यूचर 650 के अराउंड आना शुरू हो जाएगा, तब उसमें आप एक्युमुलेशन कीजिए। आपका स्टॉप लॉस सेम रहेगा, अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर 37,400 के नीचे जाता है तो आपको उस ऑप्शन में से जो भी लॉस हो रहा होगा वो लेकर निकल जाना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी कल इंट्राडे में 38,600 पे आता है तो मुझे लगता है कि उस ऑप्शन में आपको लगभग 60 to 70% गेंस देखने को मिल जाएंगे, तो एक अच्छी खासी ट्रेड बैठती है 38,500 के कॉल ऑप्शन में। और एक कॉन्ट्रा व्यू है, जो कॉन्ट्रा व्यू रहते हैं वो बहुत ही हाई रिस्क रहते हैं, तो उनमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये ट्रेड उनके लिए है जो रिस्क ले सकते हैं या फिर उनका पोटेंशियल है रिस्क लेने का उनके लिए ये। बाकी जो छोटे ट्रेडर है मुझे लगता है कि उन्हें वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर हम 37,400 के नीचे स्लिप होते हैं तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में बहुत ही शार्प सेलिंग आएगी जो बैंक निफ्टी को लेकर जा सकती है 36,900 to 36,700 के लेवल की तरफ।
तो इस जोन के तरफ हम जाएंगे। अगर हम जो है ये रिकवरी फेल हो जाती है तो दोनों तरफ भी आपको ट्रेड देखने को मिलेंगे, हम दोनों तरफ भी ट्रेड लेंगे। अगर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो हम ट्रेड रिवर्स कर देंगे और नीचे के टारगेट हम फिर से प्लेस कर देंगे बैंक निफ्टी में। सेम गोस फॉर निफ्टी, जो निफ्टी का एनालिसिस है उसमें भी आपको जो है, तो अगर आज का जो लो है वो टूट जाता है तो आपको जो है तो निफ्टी में भी 17300 से लेकर 17150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर आज का लो टूट गया तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है और यहाँ थोड़ा सा वोलेटिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। हाई रिस्क ट्रेड है तो छोटे ट्रेडर के लिए वेट एंड वॉच स्ट्रेटजी रहेगी, जो रिस्क ले सकते हैं वो बिल्कुल दोनों तरफ भी ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ मार्केट जो है अभी यहाँ से मार्केट बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, मगर जिनके पास सही स्ट्रेटजी है उन्हें दोनों तरफ के ट्रेड देखने को मिलेंगे। जैसे आज देखा हमने देखा कि गैप डाउन ओपनिंग देखी, जिन्होंने कल शॉर्ट किया था उन्हें अच्छे खासे प्रॉफिट मिले, जिन्होंने इंट्राडे में बाय किया उनको भी अच्छे खासे प्रॉफिट मिले। तो मार्केट दोनों तरफ स्विंग रहेगा तो जो ट्रेंड ट्रेडर है उनके लिए बहुत ईजी नहीं रहेगा। आपको जो है तो दोनों तरफ खेलना है मार्केट को, सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस के अराउंड सेल करना है, जो मैंने मेरे वीकली एनालिसिस में भी आपको बताया था। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो मेरा श्योर शॉट प्रीमियम कॉल सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।